नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी हूज क्रिएटिविटी। मैं हूँ पी हूँ आप लोगों का दोस्त। आप सबके लिए आज एक नई आइडिया और एक यूनिक सा चीज़ लाई हूँ, आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। ये है आज का हमारा टॉपिक और इसको मैंने किसके ऊपर बनाया है मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए पीछे से, ये एक साइकिल का जो सीट होते हैं जहाँ पे हम बैठते हैं वो है। और हमारे घर में एक पुरानी साइकिल थी, वो पड़ी थी, तो सोचा कि उसके ऊपर मैं कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखा देती हूँ। और उसको मैंने उतारी और उसके ऊपर ऐसे क्रिएटिविटी दिखा दी। तो इसको मैंने कैसे क्रिएट किया है वो मेरे फुल वीडियो में है, आप लोग ज़रूर उसको देखिए। और पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को प्लीज़, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एक पुरानी साइकिल का सीट। आप लोगों को किसी के मदद से पुरानी साइकिल में से सीट को निकाल लेना है और उसको साफ करके ले लेना है। और इसके साथ हमें चाहिए कुछ कलरफुल उल और येलो एंड रेड कलर का बड़ा फ्लावर, और येलो रेड वाइट एंड पिंक कलर का छोटा छोटा जो स्मॉल सा फ्लावर है वो। और यहाँ पे मैंने वाइट कलर लिया है, यहाँ पे एक ब्रश लिया है मैंने, और साथ में मैंने स्पॉन्ज ले लिया है। आप लोगों के पास अगर ब्रश नहीं है आप स्पॉन्ज की मदद से कर सकते हो, और आप लोगों के पास अगर स्प्रे कलर है तो बहुत ही बढ़िया। और ब्रश की मदद से मैं पूरी जो हमारी सीट है उसके ऊपर मैं वाइट कलर का दो लेयर लगा लूँगी। अच्छे से कोट करनी है आप लोगों को, तो अच्छे से मैं कोट कर दूँगी। और ब्रश से लगाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और अच्छे से लग जाती है। और अगर एनी चांस आप लोगों के पास ब्रश नहीं है तो आप लोग स्पॉन्ज की मदद से ऐसे टैप टैप करके पूरी सीट को कवर कर सकते हो। और दो बार दो लेयर लगाना है और उसके बाद इस सीट को सुखा लेना है। मैं पूरी में पहले लगा लूँगी, फिर धूप में थोड़ी देर सुखा लूँगी। और सूखने के बाद ये देखिए हमारा फाइनल लुक आ गया। और इसके ऊपर हमें कलरफुल कुछ ऊल चाहिए, और ऊल को मैं सबसे पहले दो उंगली में ऐसे 15 बार राउंड करके घुमाऊंगी। पहले ब्लू वाला ऊल ले लिया मैंने, और इसके बाद हमें चाहिए कोई भी कलर, एक की बात एक आप रख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे में फिर येलो वाला जो कलर है उसको मैं राउंड कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो यहाँ पर कोई भी कलर ले सकते हो, ऊल का मल्टीपल लो तो अच्छी लगेगी। और आप लोगों को अगर बाज़ार से ख़रीदना है तो आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो पॉम्पॉम है वो थोड़ी सी बड़ी साइज़ की है तो वो शायद आप लोगों को बाज़ार में नहीं मिलेगी, तो आप लोग घर पर बनाओ तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसको अच्छे से मैं राउंड कर दूंगी अपनी उंगली में घुमा घुमा के, और इसके बाद ध्यान से इसको मैं दो उंगली के बीच में से निकालूंगी। ध्यान से करना है, यहाँ पे बिगड़ना नहीं है। और निकालने के बाद यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का एक छोटा सा कॉर्ड लिया है, और अपनी पॉम पॉम के ऊपर मतलब एकदम बीचों बीच रख के, कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम बीच में रख के ध्यान से सावधानी से इसमें टाइट करके ऐसे नॉट लगा लूँगी। मैं पहले एक साइड में नॉट लगा लूँगी दो, और फिर दूसरी साइड में भी मुझे ऐसे नॉट लगानी है। इस पॉम पॉम को अच्छे से सिक्योर करनी है, और अच्छे से सिक्योर करने के बाद यहाँ के जो साइड की जो साइड का जो लेयर है उसको मैं सीजर की मदद से ऐसे कट कर रही हूँ। आप लोगों के पास सीजर है तो सीजर यूज़ कीजिए, और आप लोगों के पास छोटा सा कटर है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास छोटा सा कटर है, उससे ऐसे साइड में जितना भी है उसको कट करना आसान है, इसीलिए मैं कटर यूज़ कर रही हूँ। और इस पॉम पॉम के जो जितने भी बड़ा छोटा धागा है उनको मैं कट कर दूँगी, और कट करने के बाद एक लेयर में लाऊँगी, ठीक है। और जो हमने नॉट लगाई थी, नॉट का जो धागा है वो सबसे लास्ट में काट कर देना, और ऐसे में ऐसे पॉम पॉम को एक फिनिशिंग लुक दूंगी ताकि वो दिखने में थोड़ी सी अच्छी लगे। एकदम छोटा नहीं बना लेना है, ऐसे करके हाथ की मदद से ऐसे राउंड करने के बाद देखिए जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी लंबी लग रही है वहाँ वहाँ के जो धागे हैं उसको मैं इस तरीके से सीजर की मदद से थोड़ी थोड़ी करके कट कर दूँगी। और हमारा पॉम पॉम यहाँ पर देखिए एकदम रेडी है। ऐसे ही मैंने 20 से 22 पॉम पॉम बना लिया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे पॉम पॉम बना लिया और एक ही साइज़ में। और यहाँ पे मैंने ग्लू गन लिया है और फेविकॉल लिया है। आप लोगों के पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकॉल यूज़ कर सकते हो। ग्लू गन में एकदम बीच में सेंटर में लगाऊंगी और एक पॉम पॉम लगा दूंगी,
फिर साइड में ग्लू गन लगाऊंगी और पोम-पोम लगा दूंगी। ऐसे करके ना हम हमारी पूरी सीट को पोम-पोम की मदद से एक बॉर्डर क्रिएट करनी है उसके बीच में। ऐसे में ऐसे करके एकदम हॉट ग्लू गन की मदद से ऐसे करूंगी ना तो एकदम फटाफट लग जाएगी। और कोई बात नहीं, आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोगों के पास जो भी ग्लू है उसकी मदद से आप ये काम कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे हमारा जो साइड का बॉर्डर है वो एकदम रेडी है और कितना प्रीटी लग रही है अभी। तो आप लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसके ऊपर हमें लगाना है फ्लावर, येलो एंड रेड कलर का बड़ा वाला फ्लावर जो है वो लिया, और इसके पीछे मैं लगाऊंगी ग्लू गन। और एकदम पम-पम की साइड वाला जो मतलब ऊपर वाला जो लाइन दिख रही है उस लाइन में मैं ऐसे फ्लावर लगा दूंगी, एक बार येलो एक बार रेड। कोई एक कलर का फ्लावर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास एक कलर के इतने सारे फ्लावर नहीं थे इसलिए मैंने दो कलर कॉम्बिनेशन किया है। और इसके साइड में से इसको एकदम मैं कंप्लीट कर दूंगी। ये देखिए बस मैं कंप्लीट करने ही वाली हूँ, एकदम नीचे की ओर थोड़ी सी बाकी है और नीचे की ओर मैंने लगा दी। और एकदम बीच में नीचे यहाँ पर एक रेड कलर का थोड़ी सी दोनों फ्लावर के बीच में लगा दूँगी ताकि इसमें कोई गैप ना रहे। यहाँ पर देखिए इसको कम्प्लीट कर लिया मैंने। और इसके बाद जो स्टेप है वो छोटा छोटा सा जो फ्लावर है वो लिया है और छोटा छोटा सा फ्लावर को मैं इसके बीच में लगा दूंगी। आप लोग कोई एक कलर फिर से यूज़ कर सकते हो, नहीं तो मल्टीपल कलर यूज़ कर सकते हो। मैं सबसे पहले इसका बीच वाला जो लाइन है वो क्रिएट कर लूँगी। मैंने रेड वाइट येलो एंड पिंक इन चारों कलर कॉम्बिनेशन लिया है क्योंकि मुझे बहुत सारे फ्लावर चाहिए और एक कलर में इतने सारे फ्लावर मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। आप लोग कोई भी दो या फिर तीन कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कर लिया। अब साइड में जितने भी गैप है उन साइड में मैं ऐसे ही भर दूँगी। कोई भी वो नहीं है कि इसके बाद ये लगानी है, इसके बाद ये कलर का फ्लावर लगानी है। जो जब मन कर रही है वो ऐसे लगा दे रही हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग ऐसे लगा दीजिए, और ग्लू गन की मदद से लगा रही हूँ इसीलिए फटाफट सी लग रही है। और अगर आप लोग फेविकॉल या फिर फेब्रिक कोई भी यूज़ कर रहे हो तो थोड़ी सी देर रुक जाना, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। और यहाँ पे देखिए मेरा फ्लावर लगाना बस कंप्लीट है और हमारा जो फाइनल लुक है वो बस कंप्लीट है। कितना आसान है ना, और कितनी आसानी से कितने कम टाइम में ऐसे हो जा रही है। और यहाँ पर मैंने अपने वॉल पर इसको हैंग कर दिया है और आप देख ही सकते तो कितना ज़्यादा एक मतलब लग रही है कि मतलब एक गार्डन में आ गई हूँ मैं। इतने सारे फ्लावर लग रही है और जो हम मेरा वॉल है उसको एक अच्छा सा मतलब यूनिक सा लुक दे रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, कोई बता ही नहीं सकता। इसके नीचे एक साइकिल का पुरानी सीट है और उसके ऊपर मैंने ऐसे ही फ्लावर लगा दिया और कितना खूबसूरत सा चीज़ बन गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा एक नया बेहतरीन सा चीज़? आप लोग इसको ट्राई करना, और आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो एक लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना इतना खूबसूरत सा चीज़ आप लोगों को कैसा लगा। और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, पास में जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दीजिए ताकि मैं ऐसे ऐसे आइडियाज़ लाऊं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मैं फिर मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।